अकेले थे कि विद दैट मॉडल? जसजीत, मिस जिया सेन, क्यों आई थी आप यहाँ पे? हमारे लिए मिस्टर खान, मैं आपको और अपने आप को एक चांस देना चाहती थी। मुझ पे नजर रख के या फिर जानना चाहती थी कि मेरा कैरेक्टर सही है या नहीं। मिस्टर खान, मैं यहाँ क्यों आई, मे बी आपके लिए समझना मुश्किल हो। आई वांट टू नो, एक्सप्लेन, टेल मी। मैं बस टेस्ट करना चाहती थी। टेस्ट कर लियो, टेस्ट मेरा और मेरे कैरेक्टर का। तो यू हैप्पी नाउ? नो, मैं खुद को टेस्ट करना चाहती थी मिस्टर खान। मैं टेस्ट करना चाहती थी कि आपकी इस बड़ी सी फैंसी ग्लैमरस दुनिया में मैं फिट हो पाऊंगी या नहीं। ये देखना चाहती थी कि आप एक दूसरी लड़की के साथ क्लोज होंगे, सो विल आई बी एबल टू एक्सेप्ट दैट इवन इफ इट्स जस्ट एक्टिंग। लिसन, यू नो व्हाट आई फील, मेरी दुनिया को आप मुझसे ज्यादा समझती हैं। आप मुझसे स्ट्रेट अप आके बात नहीं कर सकती थी। मैं वही तो कर रही हूं मिस्टर खान, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। मुझे हमें एक चांस देना है। आर यू डूइंग अ फेवर ऑन मी? नो मिस्टर खान, मैं बस थोड़ा टाइम चाहती हूँ टू ये सब के बारे में सोचने के लिए। टाइम चाहिए आपको? जिस इंसान को आप चांस देना चाहती हैं, उसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसी की इंटेग्रिटी को आप स्टेक पे लगाकर सोचने का टाइम चाहती हैं? हाँ, वाओ, पर आप मुझे और मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, इस झूठे फेक टेस्ट पे आप ट्रस्ट करती हैं। इस झूठी फिल्मी दुनिया पे आप मुझ पे ये झूठा टेस्ट करना चाहती थी? मिस्टर, यू नो व्हाट, आई एम नॉट अप फॉर दिस टेस्ट, ओके? ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ मिस्टर खान। नो 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 मिस्टर, यू नीड टू लिसन टू मी नाउ। मैंने आज तक आपसे हर बात दिल से ऑनेस्टली शेयर की और मैं सेम आपसे चाहता था। आपने मुझसे कहा कि आप मुझसे दूर रहना चाहते हैं। यू नो व्हाट, अब मुझे क्या लगता है, हम साथ में रहने के लिए बने ही नहीं है। हमारा जीना, हमारा हमारी दुनिया सब बहुत अलग है एक दूसरे से। वी जस्ट नॉट मेंट टू बी टुगेदर, इट्स बेटर दैट वी शुड स्टॉप ट्राइंग नाउ। बट तुम यहां पर? हाँ, दैट्स व्हाट वाज डिसाइडेड, राइट? हाँ, ऑब्वियसली, बट आई होप कि तुम्हें पता है दैट अजहर यहीं पे रहने वाला है। ही इज नॉट प्लानिंग टू गो टू योर प्लेस। ओह, ओके, वेयर इज ही? इज ही फाइन? बेडरूम में, जब से शूट से आया बिहेविंग वेरी सीरियसली। तुमने उससे बात की? हाँ, बट नो यूज कि उसने अपने आप को रूम में बंद कर दिया। ओह गॉड, बेटर ना? नाउ व्हाट? व्हाट वी कैन डू इज वेट, पेशेंस इज द की। आई एम नॉट लाइकिंग दिस साहिर, दिस इज बैड। बैड नहीं यार, इट्स सुपर बैड। जिया वैसे भी इतनी सेंसिटिव है, रादर ओवर सेंसिटिव। वो किसी को भी अपने सुपर क्लोज नहीं आने देती। पर आप मुझे बताइए ना कि अजहर जी की बात कहाँ गलत है, वो भी तो सही है। क्या सही है? हाउ कैन यू से वो सही है? और गुरु, तू पहले हमारा दोस्त है तो तू जिया की साइड लेगा, करेक्ट? ऐसे कैसे मैं किसी की भी साइड ले लूं? ऐसे किसी की भी नहीं, इट्स जिया, गॉडडैमिट। आई नो, बट इट्स आल्सो अजहर। आई विल सपोर्ट द राइट पर्सन एंड नॉट टेक साइड हियर। सो यू आर ट्राइंग टू से कि जिया गलत है? अब मैंने ये कब बोला? जिया इज नॉट रॉन्ग, बट अजहर भी अपनी जगह सही है। He doesn't need a spy, यार, come on. I mean, 24/7 press उस पे spy करती रहती है. After work, all he does is hide. And now Jia is also spying on him. So he just lost it, यार. He's Azhar Khan, celebrity, and वो अपने आप को जिया के लिए चेंज करने की कोशिश कर रहा है. He feels betrayed. That's just simple logic. If it's such simple logic, तो तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि जिया ने जो भी किया, it wasn't a spy on him. No, it was ताकि वो देख सके whether she can handle it or not. अरे obviously I also know that. And तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये बात अजहर को बताने की कोशिश नहीं की, समझाने की कोशिश नहीं की? But it's just that he's just not in the right mood to listen to it. That's it. Boys just don't want to listen. You know, चीजें clear out करने की जगह बस misunderstandings create होती हैं. Stop generalizing, Isha. Obviously we also want to clear things out. But हर चीज का एक natural flow होता है. इसका मतलब ये नहीं कि किसी के भी दिमाग में घुस के यू नो स्टार्ट मैनिपुलेट। एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से? व्हाट? आई जस्ट स्टेटेड अ फैक्ट। राइट, तो तुम्हें लगता है मैं मैनिपुलेटिव हूं? सी, देयर यू गो, मतलब हर चीज को ट्विस्ट करके अपने बारे में बना लो।
मुझे नहीं लगता कि आज अजहर जी यहाँ आने वाले। यार आई रियली विश वो यहाँ आज आ जाए और उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर अजहर नहीं आ रहा है तो आई थिंक आई शुड लीव टू। आई यू श्योर? या अब आई हो तो रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। ओके ओके सो या आई कम हियर। ओह सॉरी सॉरी नो नो टच है सर, ऐसा नहीं। ईशा प्लीज स्टॉप। आई वांट दिस टू बी वेरी क्लियर, साहिर भसीन इज नॉट अ सेक्स मेनिया। इट्स नॉट दैट। प्लीज कुछ भी बोलने से पहले अपने दिल से पूछो व्हाट इज द ट्रूथ। आई नो यू टू वेल, आई थिंक आई हैव फिगर्ड यू आउट इन सम वे। आई आल्सो नो कि तुम गर्ल्स के अराउंड वीक हो जाते हो, बट आई नो यू आर चेंजिंग। देयर यू गो, यू थिंक दैट आई एम still in this process of changing, but I think I have changed. I need some time. Yeah, sure. मैं अपने thoughts तुम पर force नहीं करना चाहता हूँ. So yeah, take your time. Come to a conclusion and मुझे कोई जल्दी नहीं है. I'm here. Always. The Big Bollywood Breakup, Jia and Azhar Khan. So I guess आपको आपकी powerful story मिल गई. It is a powerful one with so much gossip. Great. So इसको print करवाएं? Yes, we must. But with a twist. Jia and Azhar Khan, possessive girlfriend lands at actor boyfriend's condom ad shoot. Think about it, love. Agar humne tumhari breakup story print ki, so that'll be the end of it. No more eyeballs, no more hype. But agar humne ye story print ki, to isse related aur bhi stories aayengi. More scoops, more publicity for you. And more appreciation for me. After all, is the newspaper stronger or successful hoga, isn't it, darling? But Diana, this is... Save it, babe. I think past experiences ne tumhe samjha diya hoga ki arguing with the boss is just going to backfire. So, darling, save up your energy and don't waste it on me. Myself. You know what, guys? I got this. I'm gonna fix this. No matter what, kuch bhi karungi, I'll do everything, but I'm gonna fix this, yeah? I'm gonna freaking control everything. Yes, ji. Aap bilkul sahi ho, ji. Chahe jo bhi ho, chhodna nahi, ji. Aur hum to hain hi aapke saath. Do me a favor. Of course. Anything for you, babe. क्या तू मेरे लिए साहिर के घर जाएगी? यो अजहर, घर पर है तू? यार, I've got this new game. बहुत ही सही है यार, चल खेलते हैं आके. Whoa! अजहर!
ओह देयर यू गो, आ जा फटफट, बियर पीते हैं, मैं बीन बैग ले, लेट्स प्ले गेम, सब बियर एंड लेट्स नॉट थिंक अबाउट व्हाटएवर शिट इज गोइंग इन आवर लाइफ, यू नो। वो कोई जा रहा है? या ब्रो आई एम लीविंग फॉर होम। एक्चुअली मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था, एमएससी ने मुझे पहली बार रिजेक्ट किया था, बट यू नो आई जस्ट केप ट्राइंग, सोचता था कि और कोशिश करूँ मिसिन के दिल को जीतने की। मिसिन बाकी लड़कियों से अलग है, यू नो दिस इज जस्ट अ बैड आइडिया यार। आई हैव एन आइडिया, टुनाइट बॉयज नाइट, यू नो बियर पीते हैं, गेम खेलते हैं, बस पड़े रहते हैं बीन बैग पर, लाइक पोटैटोज, let's have fun, laugh around, no serious talks, no emotional talks, no emotional drama, full on vela banti, you know, what's it? Bro, मैं हमारी दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ रुका ना, I know how. Okay. इतना मत सोच, chill. Hey. Hi. Hi, Azhar. Hey. I don't mean to be direct, but मैंने तुम पे एक फेवर किया था, right? Yeah. मुझे अब वो फेवर वापस चाहिए. Gia really wants to meet you. As you know, तुम दोनों घर के बाहर कहीं और मिल नहीं सकते हो. So, I just want you to go there one last time and clear this entire mess. Bro, this is funny. मतलब कि मिसिंग को मैटर सॉर्ट करने हैं और मैं वहाँ जाऊँ, वो यहाँ पे नहीं आ सकती. What the hell? Bro, so, I'm sure यार उसके दिमाग में कोई ना कोई रीजन होगा. That's why she's doing this. So, I think you should go. No, bro, मैं थक चुका हूँ यार कोशिश करते करते, अपने को प्रूव करते करते. You know, nothing is enough. I am not enough. Azhar, ये सब जो भी हुआ, Gia was just trying to see if she can handle it or not. उसने कभी भी तुम्हारी integrity को question नहीं किया. Really? Disguise करके, Miss Sane बनके भी तो set पे आ सकती थी ना? I just don't get it, guys. Guys, मैं नहीं जाऊँगा, okay? Okay, listen, just give us a last chance. Trust me, अगर आज तूने किया ना तो you'll regret this later. I don't want that. So just do this. Do this for love. वो अभी तक नहीं आया। I doubt he's coming, babe. I'm damn pissed. पक्की बात है कि वो आएंगे ही आएंगे। पर उसको आना होता तो अब तक आ चुका होता, right? कभी कभी ना वक्त लग जाता है रेव जी, ध्यान रखो। Have you ever been in a relationship? No, right? I have. With Shekhar, and I know exactly how it works. ये सारी dreamy बातें हमेशा नहीं चलती, ठीक है? There's a very harsh reality that we all have to face. तो समझेगा ही नहीं यार, रहने दे। No. Calm down. I don't think he's going back there. Poor Gia. Even I don't think he's going. So, you want to go back? Do you want me to go back? No, I just thought that you wanted to go back. I didn't even say that, Sahir. Yeah, I know you didn't even say that, but I'm just trying to understand your
trying to understand tumhare unsaid words. So that's it. Okay. Theek hai, so just so that you understand, I'll go. I mean, I'll wait for 20 minutes aur uske baad main chali jaunga. Mujhe sach mein laga that you wanted to go. But if you don't, I mean, tumhe explain karne ki zarurat nahi hai. Main thodi der baad chali jaungi, okay? मेरा वो मतलब नहीं था. You know what? This is the reason. This is the reason I want कि अजन एंड जिया बात करें. Talk it out and clear every goddamn thing. जो भी है, you know, मन में इतनी सी भी बात हो, talk it out, blurt it out and clear करो, like us. This hanging in the air, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी. This state of mind is just so painful. I know. Look at us. You know. Just look at us. We both know each other. मुझे पता है तुम कौन से frame of mind में हो. You know my frame of mind. We both know that, you know, we don't want to get back with each other. I agree. We shouldn't. But at least we are on the same page, you see? Yeah, we shouldn't get back together. Got it. True. We shouldn't. Yeah. You know, इसलिए I want Azhar and Jia to talk. जो भी है, अच्छा, बुरा, shitty, it's clear things up. Like us. Clear the air, right? Absolutely. Yeah, just clear the air. Just like us. Like us. ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ इसी घर में हो सकती है? बात ऐसी है मिस्टर खान जो आपको सिर्फ कल सुबह पता चल सकती है. इसे रुके अगर तब तक आप यहीं वेट करें. नो, इट्स नॉट ओके, बट आई विल वेट. आई हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग मिस जैन. You know, I want to know कि कल सुबह ऐसा क्या होने वाला है इसके बारे में हम अभी इस वक्त बात नहीं कर सकते. Hello in the morning, Mr. Khan.